नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर की। टोंक सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सुखबीर जौनपुरिया पर अपना दाव खेला है। वहीं कांग्रेस ने देवली उनियारा से विधायक हरीश मीणा पर दाव खेला है। हरीश मीणा 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2018 में वे भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। यहाँ दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में रोमांचक मुकाबला है। अगर हम जमीन पर देखते हैं तो भाजपा और कांग्रेस बराबर नजर आएगी आपको। 4 सीट कांग्रेस के पास है, 4 सीट भाजपा के पास है। 2 सीट टोंक में कांग्रेस के पास है, 2 सीट टोंक में भाजपा के पास है। सवाई माधोपुर में भी दोनों के पास 2-2 सीट है। तो जमीन पर आपको दोनों पार्टियां बराबर नजर आएगी। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जातीय अगर हम आधार देखें तो ये जो गणित बनती है पूरी, वो ये है कि टोंक में अल्पसंख्यक बड़ी तादाद के अंदर है। इसके अलावा गुजर, मीणा और SC यहाँ प्रभावशाली हैं। ये किस तरफ झुकते हैं, ये जिस तरफ झुकेंगे वहीं पलड़ा भारी हो जाएगा। अब देखने के लिए रोमांचक बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट क्या गुजरों के वोट अपने प्रत्याशी हरीश मीणा को दिला पाएंगे, या करोड़ीलाल मीणा मीणों के वोट उस तरफ शिफ्ट कर पाएंगे, ये तो काल के गर्भ में। लेकिन ये बात एक निश्चित है कि जिधर भी ये वोट डाइवर्ट होंगे वही प्रत्याशी जीतेगा। करोड़ीलाल मीणा सक्रिय भी नहीं है इस बार, ये भी एक बात देखने को मिल रही है। वे सक्रिय क्यों नहीं है इसके लिए कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर बताया जा रहा है कि जगमोहन को टिकट नहीं मिलने के कारण भी वे सक्रिय नहीं है। अगर हम यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है रेल। सुखबीर जौनपुरिया यहाँ नहीं ला पाए, उससे पहले नमोनारायण मीणा जो मंत्री रहे यहाँ से, वे भी नहीं ला पाए। इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मुद्दे हैं ही। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण रोजगार भी नहीं मिल पाया है। तो जमीनी हालत यहाँ, स्थिति यह है कि ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण ही है, उस कारण भी यहाँ विकास की गति बहुत धीमी है। अब देखना यह है कि ये दो जो बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट, किस भूमिका में अपने प्रत्याशी के लिए भूमिका निभाते हैं। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है यहाँ से तो निश्चित तौर पर सेहरा सचिन पायलट के सर पर ही बंधेगा। लेकिन क्या सुखबीर जौनपुरिया टिकड़ी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या हरीश मीणा कांग्रेस में हर्ष की लहर ला पाएंगे या ना ला पाएंगे, ये तमाम प्रश्न काल के गर्भ में है। इनका जवाब चुनाव परिणाम के साथ ही मिलेगा। टोंक सवाई माधोपुर से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।